रहस्यमय जंगल। एक बहुत ही सुंदर और बड़ा जंगल था। जंगल के सारे जानवर खुशी से रहते थे, पर कुछ दिनों से जंगल कुछ अजीब घटनाएं हो रही थी, जिस वजह से जंगल के जानवर परेशान हो गए थे। दरअसल जंगल के पास एक दूसरा जंगल था। कोई जानवर उस जंगल जाता तो वापस नहीं आ रहा था। जंगल के जानवर तो उस जंगल से दूर रहते थे, पर बच्चे, इसीलिए हर माँ अपने बच्चे को उस जंगल से दूर रखती थी। एक बार हिरन का बच्चा सोनू उस जंगल की तरफ जा रहा था, तब उसे बंदर रोक लेता है। अरे बेटा सोनू, कहाँ जा रहा है तू? रुक जा, माँ को पता चला तो तुम पर गुस्सा करेगी। बंदर मामा, उस जंगल में रसीले फल मिलते हैं, मैं वही खाने जा रहा हूँ। भला इस बात के लिए माँ मुझे क्यों डांटेगी? सोनू, वो जंगल खतरनाक है, वहाँ जाने वाला आज तक लौट नहीं आया। हम बड़े भी इसी के लिए चिंतित है। बेटा, जब तक जंगल का राज पता नहीं चलता, तब तक तुम या बाकी बच्चे इस जंगल मत जाओ। चलो घर जाओ और अपने दोस्तों को भी ये बात बताओ। सोनू बंदर की बात पर सोचते हुए घर आता है। दूसरे दिन सोनू अपने दोस्तों को जंगल के बारे में बताता है। तब हाथी का बच्चा कहता है, अरे हाँ, मेरी माँ भी मुझे से यही कह रही थी। मुझे तो लगता है कि उस जंगल में भूत होगा जो जानवरों को खाता होगा। हाथी के मुंह से भूत की बात सुनकर सारे बच्चे डर जाते हैं। वो अब उस जंगल के नाम से ही डरने लगते हैं। पर सोनू के मन में तो जंगल की बात शुरू ही थी। एक दिन सुअर को उस जंगल की ओर जाते हुए सोनू देख लेता है। तब सोनू सोचता है, मैं इस सुअर का पीछा करता हूँ और उस जंगल में क्या हो रहा है इसका पता लगाता हूँ। ऐसा सोचकर सोनू सुअर का पीछा करते हुए जंगल आता है। सोनू चुपके से सुअर पर नजर रखे हुए था। तभी अचानक दूर एक सुनहरी रोशनी दिखाई देती है। सुअर उस रोशनी से आकर्षित होकर उस रोशनी की तरफ जाने लगता है। जैसे ही सुअर उस रोशनी के पास आता है, उस रोशनी से एक भयानक राक्षस भेड़िया बाहर आता है। वो भेड़िया बहुत ही भयानक था। भेड़िया सुअर को निगल लेता है और सोनू ये सब देखकर डर जाता है और भागते हुए जंगल के बाहर आता है। भागते हुए सोनू शेर से टकरा जाता है। सोनू बेटा, जरा देख कर चलो, तुम इतने घबराए हुए क्यों दिखाई दे रहे हो? क्या हुआ? राक्षस, राक्षस, सुनहरी रोशनी और राक्षस सुअर। सोनू डर गया था, इसीलिए वो साफ साफ कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। तब शेर पहले उसे शांत कराता है। थोड़ी देर बाद शेर उसे फिर से पूछता है। तब सोनू जो कुछ देखा वो साफ साफ शेर को बता देता है। तब जाके शेर को भी सब समझ में आता है। तब शेर सोनू से कहता है, बेटा सोनू, ये बात किसी को नहीं बताना, नहीं तो जानवर और भी डर जाएंगे। अब मुझे ही उस राक्षस का बंदोबस्त करना होगा। सोनू शांत होकर घर चला जाता है। अब शेर खुद इस बात की छानबीन करने में लग जाता है। तभी उसकी मुलाकात एक बूढ़े भालू से होती है। तब शेर भालू से कहता है, भालू बाबा, आप इसी जंगल के रहने वाले हो क्या? अगर आप कुछ जानते हो तो मुझे बताओ, ताकि मैं कुछ कर सकूं। बेटा, बहुत साल पहले की बात है, ये जंगल ऐसा वीरान नहीं था। जंगल में बहुत सारे जानवर खुशी से रहते थे, पर एक दिन एक राक्षस भेड़िया जंगल आया और उसने पूरे जंगल को तबाह कर दिया। बाकी जंगल बच जाए, इसलिए एक पुजारी उल्लू ने भेड़िये को मंत्रों से तालाब में कैद कर लिया। भेड़िया तालाब में कैद हो चुका, पर वो आने जाने वाले जानवरों को सुनहरी रोशनी से आकर्षित करता है, और जब जानवर तालाब के पास आते हैं तो वो उसे खा जाता है। अब कहाँ है वो उल्लू पुजारी? मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। पता नहीं, पर सुना है कि वो किसी हिमालय की ऊंची पहाड़ पर तपस्या कर रहे हैं। शेर बिना रुके उल्लू को ढूंढने निकलता है।
लंबा रास्ता पार करके वो हिमालय के जंगल में आता है। वहां की ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर वो उल्लू को ढूंढ लेता है। शेर एक जगह पर थक कर बैठ जाता है। तभी वहां उल्लू आता है और कहता है, शेर तुम मुझे ढूंढ रहे हो? मुझे मेरी अंतरात्मा कह रही है कि कोई बहुत बड़ी बात है। तब शेर राक्षस भेड़िए के बारे में बता देता है। क्या कहा? वो राक्षस मरा नहीं। मैं तो समझ रहा था कि वो मर गया, लेकिन कोई बात नहीं शेर, ये लो, ये जादुई विभूति है, इसे तुम उस तालाब में डाल दो, इससे उस भेड़िए को मुक्ति मिल जाएगी। शेर वो विभूति लेकर उस जंगल आता है। शेर को उस तालाब के पास आते ही सुनहरी रोशनी प्रकट होती है। राक्षस भेड़िया शेर को निगल लेता कि तभी शेर उस विभूति को तालाब में डाल देता है। तब भेड़िया जोर जोर से चिल्लाने लगता है। भेड़िया धुएं के जैसे आसमान में गायब हो जाता है और सुनहरी रोशनी भी बंद हो जाती है। अब वो जंगल फिर से आबाद हो जाता है और जंगल में खुशियां छा जाती है। ब्लाइंड मंकी बिकेम किंग एंड मैजिकल हैट। एक बार की बात है, एक घना जंगल था। जंगल में कई सारे जानवर रहते थे। वो जंगल बहुत ही शांत और सुंदर था। जंगल में सारे जानवर मिलजुल कर एक ही परिवार की तरह रहते थे। वहीं दूसरी ओर पास के जंगल में एक शैतानी बाघ रहता था। उसके पास कई सारी शैतानी शक्तियां थी। जब बाघ को ये बात पता चलती है कि उसके पास के जंगल में कोई राजा नहीं है, तब वो अपने मन में सोचता है, सुना है पास के जंगल में कोई राजा नहीं है, मैं वहां जाकर उस जंगल का राजा बन जाऊंगा और सबको गुलाम बनाकर अपनी शक्तियां और बढ़ा लूंगा, फिर मुझे हराने वाला कोई नहीं होगा। यूं सोचकर बाघ पास के जंगल जाता है। सारे जानवर अपने अपने कामों में व्यस्त थे। बाघ अपनी भूख मिटाने के लिए जानवरों पर हमला करता है। बाघ को देखकर सारे जानवर इधर उधर भागने लगते हैं। तब खरगोश हाथी से कहता है, अरे हाथी बहन, ये शैतानी बाघ हमारे जंगल में कहां से आ गया, अब हम क्या करें? अरे मेरे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पहले भागो यहाँ से। यूं वो जैसे तैसे वहां से भाग जाते हैं कि दूसरी ओर बाघ अपनी शैतानी शक्तियों से जंगल में दहशत मचाने लगता है। सारे जानवर बहुत डरे हुए थे। बाघ अपने आप को जंगल का राजा घोषित कर लेता है। ये सुनकर जानवर और भी डर जाते हैं। एक दिन एक हिरन अपने बच्चे के साथ तालाब के पास पानी पी रही थी कि तभी बाघ की नजर उस पर पड़ती है। वो उन दोनों पर हमला करने ही वाला था कि हिरन उसे देख लेती है और कहती है, महाराज महाराज रहम कीजिए, मेरा बच्चा बहुत छोटा है, कृपा करके उसे छोड़ दीजिए। अरे ओ हिरन, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे रोकने की? तू जानती है ना कि जब मेरी नजर किसी पर पड़ती है तो उसे मेरा शिकार बनना ही पड़ता है। महाराज आप चाहो तो मेरा शिकार कर लो, पर मेरे बच्चे को छोड़ दो। बाघ इतना जालिम था कि उसे उन दोनों पर थोड़ा भी रहम नहीं आता और वो दोनों माँ और बच्चे का शिकार कर देता है। जब ये बात बाकी जानवरों को पता चलती है तो वो उदास हो जाते हैं। उस जंगल से भी कई जानवर जंगल छोड़कर चले जाते हैं और जो बचे हुए थे उनके दिन ऐसे ही डर और दहशत में गुजर रहे थे। उसी जंगल में चिंटू नाम का एक बंदर रहता था जिसका अपना कोई नहीं था। चिंटू बहुत ही समझदार और नेक दिल था। जंगल में बाघ की दहशत को देखकर चिंटू भी उदास होता है। पता नहीं इस जंगल को किसकी नजर लग गई, वो शैतानी बाघ एक एक करके सबको मार रहा है। यूं चिंटू अपने ही ख्यालों में था कि उसे किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। बचाओ, कोई है, मेरी मदद करो। अरे ये तो खरगोश की आवाज है,
ये राक्षस तो मेरे दोस्त और उसके बच्चे को खा जाएगा। मैं क्या करूं, इन्हें कैसे बचाऊं? दूसरी ओर बाघ खरगोश के बच्चे को पकड़ने ही वाला था कि चिंटू एकदम से छलांग मारते हुए बच्चे को वहां से हटा देता है। बाघ का हमला चूक जाने पर वो गुस्से से आग बबूला हो जाता है। चिंटू खरगोश से कहता है, अरे दोस्त, तुरंत बच्चे को लेकर यहाँ से चले जाओ। खरगोश अपने बच्चे को लेकर झाड़ियों में चली जाती है। बाघ का हमला चूक जाने पर बाघ गुस्से से आग बबूला हो जाता है। अरे ओ बंदर, तेरी ये मजाल कि तू मेरे और मेरे शिकार के बीच आ गया। लगता है तुझे अपनी जान की परवाह नहीं है। देखो बाघ, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम ये जंगल छोड़कर चले जाओ। अरे ओ पागल बंदर, लगता है तुझे मालूम नहीं है मैं इस जंगल का राजा हूँ और तू मुझे ही जंगल छोड़कर जाने के लिए कह रहा है। अब तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। यूं बाघ चिंटू का पीछा करता है। चिंटू वहां से भाग जाता है। बाघ चिंटू का पीछा कर रहा था। चिंटू तेजी से भागते हुए बाघ को चकमा दे देता है। बाघ को चकमा देने के चक्कर में चिंटू की आंखों में पेड़ की टहनी चुभ जाती है और उसकी आंखें चली जाती है। मेरी आंखें मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? चिंटू की दर्द भरी आवाज सुनकर सारे जानवर वहां इकट्ठे होते हैं। अरे कोई है, जल्दी से उल्लू वैद्य को बुलाओ। उल्लू वहां आता है और चिंटू की आंखें देखकर कहता है, चिंटू मुझे माफ कर दो, मैं कुछ नहीं कर सकता। पेड़ की टहनी तुम्हारी आंखों में काफी गहरी छुप गई है। ये सुनकर खरगोश, दोस्त ये सब मेरी वजह से हुआ है। तुम मेरी और मेरे बच्चे की जान बचाने के चक्कर में अपनी आंखें खो बैठे, मैं तुम्हारा यह एहसान कैसे चुकाऊं? देखो उदास मत हो, इस जंगल की पूर्वी दिशा में एक जादुई पेड़ है, चिंटू को वहां ले चलते हैं। मुझे यकीन है वो पेड़ हमारी जरूर मदद करेगा। सारे जानवर चिंटू को उस जादुई पेड़ के पास ले जाते हैं। हे जादुई पेड़, हमारी मदद करो। उल्लू पेड़ को सारी बात बताता है। चिंटू तुमने अपनी जान की परवाह ना करके खरगोश और उसके बच्चे की जान बचाई है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा उस राक्षस को मारने में। ये लो जादुई हैट, इसे पहनकर तुम्हें कई सारी जादुई शक्तियां मिलेगी और तुम आसानी से उस राक्षस का अंत कर सकोगे। चिंटू हैट को पहनते ही उसकी आंखें फिर से पहले जैसी हो जाती है। चिंटू को कई सारी जादुई शक्तियां मिलती है। ये देख जानवर और चिंटू पेड़ का धन्यवाद करते हैं। चिंटू बाघ के पास जाकर अपनी जादुई शक्तियों से उसे मार डालता है। चिंटू जंगल में कोई राजा नहीं है और एक अच्छा राजा होने के सारे गुण तुम में हैं, तो आज से तुम इस जंगल के राजा हो। सारे जानवर चिंटू को जंगल का राजा बनाते हैं और खुशी खुशी जीवन गुजारते हैं।